आपके भरोसे पर खरे उतर कर। हमने पूरे किए हैं 3 साल। आपका क्षेत्र, आपके मुद्दे, हम बने हैं आपकी आवाज। सटीक खबरें, बेबाक अंदाज, आपका अपना न्यूज चैनल लाइव। पीरपेती प्रखंड स्थित ट्राइसम भवन में शुक्रवार को आत्मा के सौजन्य से आयोजित खरीफ महाअभियान 22 के प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण सह उपादन वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक ई ललन कुमार ने कहा, उन्होंने किसानों को नाहक परेशान करने वाले व उनके आत्मसम्मान से खिलाड़ करने वाले कर्मियों व अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें बुरे परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके पूर्व प्रमुख रश्मि कुमारी की अध्यक्षता में विधायक बीटीओ चंदन कुमार चक्रवर्ती, बीसीओ दीपक कुमार, आत्मा के बीटीएम परमेश्वर कुमार सिंह, बीएओ उमाशंकर चौधरी, सुरेंद्र सिंह, विवेकानंद गुप्ता, रंजीत शाह व अवधेश पोद्दार ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सबौर से आए शस्य विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर सौरभ कुमार चौधरी ने धान की सीधी बुआई व गन्ना के प्रति किसानों को इच्छा शक्ति बढ़ाने को प्रेरित किया। कृषि अर्थशास्त्री डॉक्टर संदीप कुमार ने कृषि अधिशेष उत्पादन विधि का प्रयोग कर आमदनी दुगनी करने से भी अधिक करने के प्रेरित किया, जबकि बीडीओ ने कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताया। कृषि पदाधिकारी ने कृषि विभाग द्वारा चलाए जा रही योजनाओं की जानकारी देते हुए लाभ उठाने को कहा। बीसीओ दीपक कुमार ने फसल बीमा योजना के बारे में जानकारी दी। बीटीएम ने आत्मा के द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में जानकारी दी व मशरूम उत्पादन के लिए ई किसान भवन में दिए जा रहे प्रशिक्षण के बारे में बताया। पीछे आत्मा क्या मकसद है, किसानों किस तरह का जानकारी? देखिए, बिहार सरकार के द्वारा खरीफ महाअभियान 2022 के अंतर्गत प्रखंड स्तर पर किसानों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें किसान भाइयों को खरीफ मौसम में सरकार के द्वारा दी जाने वाली योजनाओं की जानकारी दी जा रही है और कृषि के साथ साथ पशुपालन, अन्य जो लाइन डिपार्टमेंट है उनके भी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी और बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के वैज्ञानिकगण के द्वारा तकनीकी जानकारी इसमें प्रदान की जा रही है। इस कार्यक्रम के माध्यम से आत्मा अपने किसानों के बीच में चलाई जाने वाली योजनाओं की जानकारी दे रही है कि जिसमें मुख्य रूप से किसान हितकारी समूह, खाद्य सुरक्षा समूह आदि के गठन पर बल दिया जा रहा है और भागलपुर ज़िले में हम लोग इन कार्यक्रमों में अभी जैसे जहां भी खरीफ मौसम में अभी आम की भी फसल है हमारे यहां, तो हम लोग आम के ऊपर भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं भागलपुर जिले में। जितने सरकार की कुनीति का परिणाम है कि लोगों के दिमाग में सेट हो गया, किसानी जो है घाटे का सौदा है। अब सरकार का एक ही संकल्प है किसानों के विश्वास दिलाना कि भाई किसानी जो है मुनाफे का फायदा है, नौकरी पैसा से ज्यादा आनंद किसानी में आ सकता है। और किसानी टूटने के कारण परिवार टूटा, परिवार बिखरा है, किसान के बच्चे दिल्ली गुजरात में रहने के लिए जो मने बाध्य हुए हैं, अब सब परिवार को बसाना संवारना है। तो एक ही चीज़ कहना चाहते हैं, दुनिया के सामने हर चीज़ का विकल्प है, गाड़ी का, घोड़ा का, आज पेट्रोल डीजल का विकल्प है कि हम जो है कि अब सोलर से चल रहे हैं, लेकिन अन्न का विकल्प नहीं है, अन्नदाता का कोई विकल्प नहीं है। जिस व्यक्ति, जिसका अन्नदाता का, जिस किसान का कोई विकल्प ना हो और वो खुशहाल ना हो, वो परेशान हो, हम लोग कैसे चैन से रह सकते हैं? इसलिए अन्नदाता को खुशहाल रखना है, अन्नदाता को संपन्न बनाना है, धनी बनाना है, अन्नदाता को सक्षम बनाना है। अन्नदाता इतने सक्षम बने वो भी अपने बच्चों को बाल में बढ़िया से पढ़ा लिखा सके, दे सके, किसानी को फायदे का मैंने पेशा ये साबित करना या उसको बनाना, यही सरकार की मोटो, इसी मोटो के तहत इसको राइस प्रशिक्षण को रखा गया। सर, फिर 35 दक्षिणी क्षेत्र में किसानों